समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं। आज पहली बार डायरी लिखने बैठा हूं। दरअसल पहले कभी लिखा ही नहीं तो आदत ही नहीं है। पहले कभी कुछ था भी तो नहीं लिखने को, पर आज क्योंकि आज वो हुआ जो पिछले 13 सालों में कभी नहीं हुआ। 13 साल, कोई सपना पूरा होने के लिए 13 साल भी ले सकता है? कभी नहीं सोचा था। सोचा तो बस ये था कि एक दिन मुंबई पे राज करना है, नाम बनाना है, ऐसा नाम जो भीड़ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, चिल्लाती रहे, थक जाए पर रुके ना। पता था कि ये सपना पूरा करना आसान नहीं होगा। ये लाखों हजारों की भीड़ में अपनी पहचान बनानी भला आसान होता है क्या? पता था कि वक्त लगेगा, पता था कि लड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। छोड़ा भी मैंने, घर, परिवार, रिश्तेदारी, जिम्मेदारियां, सब मैंने छोड़ दिया। और जिसके साथ मोहब्बत हुई थी वो मुझे छोड़कर चली गई। वो भी ठीक थी, अपनी जगह। कितना इंतजार करती आखिर। सपना तो मेरा था ना, भला वो सब कुछ देखते हुए क्यों आंखें मूंद लेती मेरी तरह? पता है यहां मुंबई में हर किसी का सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं होता। यहां हर इंसान शाहरुख या सलमान बनने ही आता है, जैसे मैं आया था। 13 साल, 13 साल हो गए मुझे लड़ते हुए। टूटा नहीं मैं फिर भी, रोया जरूर पर पीछे नहीं मुड़ा मैं, पर रुका नहीं। पर आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है साला, इतना बड़ा दिन कोई भी नहीं है जिसको मैं बता सकूं कि देखो आज मेरी शुरुआत हुई है। पहचान लिया कोयले को राख में हीरा पहचानने वालों ने, उखाड़ लो। ये आवाज सुनाई दे रही है? आप
सबको नहीं सुनाई दे रही होगी, मुझे सुनाई दे रही है। अरमान, 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 लोग चिल्ला रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे फैन चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वक्त आ गया है मेरे फैंस के चिल्लाने का। थिएटर का बंदा हूं ना, शक्ल के दम पे ना सही, एक्टिंग के दम पे तो कुछ बन नहीं था, तो लो एक्टिंग के दम पे बन गया अरमान सानी, आज हिंदी फिल्म का हीरो। साला, वक्त आ गया है अपने बाप की आंखों में अपने लिए इज्जत देखने का, जो यही समझता था कि साला नालायक है, एक्टिंग वैक्टिंग सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि कुछ और नहीं आता। वक्त आ गया है उन सब रिश्तेदारों का मुंह बंद करने का, जो मां को मेरे बारे में फालतू की बातें सुनाकर दुखी करते थे। वक्त आ गया है उस लड़की को यह बता देने का कि अगर कुछ साल और मेरे लिए रुक जाती तो। वक्त आ गया है मुंबई पे राज करने का, इस दुनिया को जीतने का। जीत सकता था दुनिया को भी, जिंदगी बहुत बाकी थी अभी। आधी जलती हुई सिगरेट के धुएं में उड़ा दी और आधी ठंडी बेजान राख सी एश्ट्रे में है पड़ी।